would choose Bharat. Why? Just like that? मुझे तो इंडिया इंडिया चूज करेंगे क्यों क्योंकि इंडिया भारत है तो एक ही चीज इंडिया हमेशा से चलता आ रहा है एक पेटी पॉलिटिक्स की वजह से हम इंडिया का नाम चेंज नहीं कर सकते भारत बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये चीज हमेशा से मेंशन थी इंडिया और भारत तो फॉर अ पेटी पॉलिटिक्स वी कैन नॉट चेंज टू भारत आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लाइक अबाउट चॉइस ऑफ प्रायोरिटी लाइक फॉर मी Both the names are equal and I like both of them for my country. Like India bhi hamara hi aur Bharat bhi purana naam raha hai aur abhi ki agar baat ki jaye to hamare jaise articles mein bhi mention hai ki Bharat yani ki India to dono hi name hai jaise ki hamare desh ki do official languages hai हिंदी और इंग्लिश तो इसमें से कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आई थिंक ये तो डिबेट का कोई टॉपिक ही नहीं होना चाहिए कि इंडिया और भारत आई थिंक लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट इंडिया और भारत आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस वट आई थिंक इज द ओनली डिफरेंस देर इट इज इंडिया इज इन इंग्लिश एंड भारत इज इन हिंदी Obviously, Bharat, actually, we are known just because of Bharat, not because of India. India, the name was given by the, I think, English Britishers. So that's why I would say Bharat will be the best. सही स्टेज है सर ये सही डिसीजन है उसका जो पुराना नाम है भारत उसी को हम वापस रीडेवलप कर रहे हैं तो अच्छी बात है जैसे विक्टोरिया टर्मिनस का नाम चेंज करके CST रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस वैसा इंडिया का नाम भी चेंज करके अगर भारत रख रहे तो वो अच्छा डिसीजन है गुड डिसीजन है सो आई विल चूज भारत बिकॉज द भारत वर्ड इज नॉट अ न्यूली वर्ड टू राइट नाउ बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम द लास्ट सेंस फ्रॉम द महाभारत इटसेल्फ आई डोंट हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड भारत आई फील बोथ आर पार्ट ऑफ माई कंट्री वट आई फील अबाउट इंडिया इज इक्वलेंट टू वट आई फील अबाउट भारत So I don't think there is any difference between both of them.